रोमन रेंज रेसलमेनिया मेन इवेंट में मैं खत्म करूंगा अपनी कहानी तुझे खत्म करके। मैं हूँ नेक्स्ट हेड ऑफ द टेबल, मैं हूँ अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और मैं हूँ इस कंपनी का नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। कोडी रेसलमेनिया में तू कुछ भी नहीं कर पाएगा सिर्फ एक चीज को छोड़ के, और वो है मुझे एक्नॉलेज करना। बड़ा शौक है ना तुझे अपनी कहानी खत्म करने का, देख रेसलमेनिया में किस तरह से मैं तुझे खत्म करता हूँ। इसके बाद तुझे खत्म करने के बाद ऑलरेडी तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, और रेसलमेनिया के बाद वाइपर तेरा वेट कर रहा होगा तुझे डसने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस कमाल की वीडियो में। बात करेंगे आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है, प्लस आप लोगों को जानने को मिलेगा कल होने वाले रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट में कौन कौन सा मैच होने वाला है, मैच का लाइनअप क्या होगा, उस मैच को कौन जीत रहा है। तो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो के अच्छे लगने में प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर गाइस, आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें उसोस के साथ देखने को मिलती है, और गाइस क्या ही ये कमाल का सेगमेंट था। सैमी जेन ने उसोस के सामने रोमन रेंस की पोल खोल के रख दी, एंड जेन ने सैमी जेन से ऐसी बात कह दी कि उनको अपने बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस पे डाउट होने लगा है कि क्या वो रेसलमेनिया में ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस, रिंग में आने के बाद आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले जिमी उसो कहते हैं कि आज है आखिरी स्मैकडाउन सबसे बड़े टैग टीम मैच से पहले का, और ये मैच होने वाला है सबसे बड़े स्टेज रेसलमेनिया में। अब गाइस, इतना कहने के बाद यहाँ थीम सॉन्ग बजता है सैमी जेन का, और गाइस यहाँ एंट्री हो चुकी थी केविन ओवेंस और सैमी जेन की। सैमी जेन रिंग की ओर आते आते कहते हैं कि उस तुम लोगों ने सही कहा, हम एक रात दूर हैं WWE की हिस्ट्री के सबसे बड़े टैग टीम मैच से, और वो कल रात होगा। पर आज रात हम ये तय करेंगे कि हमारे बीच ऐसी कोई भी अनकही बात ना रह जाए, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। अब गाइस, माइक पे केविन ओवेंस आते हैं और वो उसोस से कहते हैं कि देखो, एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो। जब मैं WWE में आया था, शुरुआती दो लोग जिन्होंने मेरा स्वागत किया था, मुझे विश्वास दिलाया कि मैं लॉकर रूम में रहने लायक हूँ, आप लोग वो थे। लॉकर रूम में मेरा ध्यान रखा, वो सब आपकी वजह से था, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जब से आप लोग अपने उस कजन रोमन रेंस के पीछे जाने लगे, उनसे मार खाने लगे, तब आपने अपनी सारी इज्जत खो दी। तुम लोग अपने उस कजन के साथ मिलके मेरा करियर, मेरा लाइफ खत्म करने पर तुल गए। इसके बाद भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ये बात जान लो। मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा रेसलमेनिया में तुम दोनों को खत्म करने के लिए, और तुम्हारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को तुमसे छीनने के लिए। अब गाइस, यहाँ हंसते हंसते जिमी उसको कहते हैं कि जानते हो केविन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तुम जब यहाँ पर आए थे, हम दोनों ने तुमको प्यार दिखाया क्योंकि हम वैसे ही लोग हैं, पर हम अब इस रिंग में खड़े हैं तुम दोनों के सामने, और हमारे दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं है। तो तुम लोग कह रहे हो कि हमारे बीच प्रॉब्लम है, हम दोनों हैं असली भाई, लेकिन तुम दोनों समझ नहीं पाते हो कि कौन किसका भाई है। अब गाइस, सैमी जेन जिमी उसो से कहते हैं कि ये एक चीज तुम भूलते जा रहे हो, खून की बात कर रहे हो। केवल खून से ही रिश्ता नहीं होता एक परिवार का, ईमानदारी से, वफादारी से परिवार का रिश्ता दिखाया जाता है। अब गाइस, माइक पे जे उसो आते हैं और वो सैमी जेन से कहते हैं कि तुम क्या जानते हो लॉयल्टी के बारे में, तू तो सबसे बड़ा गद्दार था। अब गाइस, सैमी जेन यहाँ रोमन रेंस की पोल खोलते हुए जे उसो से कहते हैं कि मैं क्या जानता हूँ लॉयल्टी के बारे में, शायद तुम्हें याद नहीं है दोस्त, मैं तुम्हारे लिए वफादार था पहले दिन से। तुम लोग थे जिन्होंने खून को वफादारी के ऊपर चुना, तुमने रोमन रेंस को चुना क्योंकि वो तुम्हारा खून था, भले ही वो तुम दोनों के तरफ कभी भी वफादार नहीं था। ये गाइस, सैमी ने उसोस को काफी बड़ी बात कह दी। ये बात जे उसो को कितनी चुभी है वो आप लोग उनके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हो। हे जे, एक बात पता है जो रोमन ने तुम्हें कभी नहीं बताई, ये जो ब्लड लाइन का भार है वो हमेशा से तुम दोनों के ऊपर रहा है, और ये मैं तुम दोनों के ऊपर एक आखिरी एहसान करना चाहता हूँ। रेसलमेनिया में जब हम तुम्हारे चैंपियनशिप को जीत लेंगे, उसके बाद तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो रोमन रेंस का खात्मा होगा, ब्लड लाइन का खात्मा होगा। इसके बाद तुम दोनों वापस जा सकते हो खुद को ढूंढने के लिए, तुम वापस से ऐसे उसोस बन सकते हो जिनकी लोग तारीफ किया करते थे, और सारा लॉकर रूम जिसकी तारीफ किया करते थे। अब गाइस, माइक पे जे उसो आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं होने वाला है। मैं तुमको बताता हूँ कि क्या होने वाला है, तुम दोनों के साथ वही होगा जो हमेशा होता है। तुम दोनों कल रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच हारोगे, इसके बाद तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड केविन ओवेंस तुम्हारे पीठ में वापस से एक बार छुरा भोंकेगा और तुम्हें धोखा देगा। फिर लोग वही कहेंगे जो वो हमेशा कहते हैं कि अभी भी उसोस ही है WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन।
तो गाइस अब बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में क्या हुआ। जब रोमन रेंस और कोडी रोड्स रेसलमेनिया से पहले एक आखिरी बार फेस टू फेस आए, तो गाइस रिंग में सबसे पहले कोडी के आने के बाद वे कहते हैं कि लॉस एंजलिस, तो बताइए किस बारे में बात किया जाए, हम बात कर सकते हैं, हम है रास्ते के एंड पॉइंट पे, हम बहुत नजदीक है स्पोर्ट एंटरटेनमेंट के इतिहास के सबसे बड़े इवेंट रेसलमेनिया से कुछ ही घंटे दूर, एक सुपरस्टार होने के नाते मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड किसी भी मैच के लिए मैं कभी भी नहीं था। सच कहूं अभी इस समय पर आप सभी से बात करते हुए माइक को हाथ में रखते हुए मुझे लगता है कि मेरी तैयारी हुई नहीं है पूरी तरह से। और अगर हमारे चैंपियन की बात करें तो पिछली बार जब हम आमने सामने आए थे उसने टाइटल मेरे सामने रख के कहा था कि मैं अपने कंपनी का हीरो नहीं रह पाया। और बात करें उसके बारे में तो उसने क्या किया, WWE के इतने साल उस पे पैसे खर्च करने के बाद इतने सालों बाद जाकर आज वो इतना बड़ा सुपरस्टार बना। रोमन रेंस एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे अपनी कहानी खत्म करनी है और ये होगा इस साल के रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। इसके बाद मैं होऊंगा नेक्स्ट हेड ऑफ द टेबल, तुम्हारा एंड इस WWE कंपनी का नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अब इसके बाद गाइस थीम सॉन्ग बजता है हमारे ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का। रिंग में आने के बाद रोमन रेंस कहते हैं कि लॉस एंजलिस, फिर वो पॉल एवंस से कहते हैं कि पता है क्या वाइसमैन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सभी के बारे में। अब गाइस वो कोडी के फेस टू फेस जाके बस इतना कहते हैं कि कोडी रोड्स एक्नॉलेज मी, रेसलमेनिया में तो कुछ भी नहीं सिर्फ मुझे एक्नॉलेज करेगा। तो गाइस आज भी हमें प्रोमो सेगमेंट के अलावा रोमन और कोडी के बीच कोई भी फिजिकली देखने को नहीं मिली और ऐसा कर WWE ने इस फ्यूड को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि कोई भी ब्रॉल और हाथापाई नहीं होने से ये प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल हो गया है कि क्या होगा रेसलमेनिया की इस मैच में, कौन जीतेगा कोडी और रोमन में से। गाइस एक न्यूज सोर्स की ओर से इस मैच के लिए फाइनल प्रिडिक्शन कुछ ये है कि रोमन रेसलमेनिया में कोडी रोड से नहीं हारने वाले हैं, वो रिटेन एंड कंटिन्यू करेंगे अपनी चैंपियनशिप के रेन को। और गाइस मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग अपडेट बताऊं तो रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस कोडी के मैच के बाद वाइपर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो सकता है। कोडी पे अटैक करने के बाद इनका ये फ्यूड बिल्ड करेगा समर स्लैम में इनके एक मेगा मैच के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं कल रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट में कौन कौन सा मैच होगा और उसका लाइनअप क्या होने वाला है। तो गाइस रेसलमेनिया नाइट वन का फर्स्ट मैच आप लोगों को ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना के बीच देखने को मिलेगा। US चैंपियनशिप का ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा और मुझे लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में अपने चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। इसके बाद गाइस आप लोगों को मेंस शोकेस मैच देखने को मिलेगा, लिस्ट में आप लोग नीचे देख सकते हो। मुझे लगता है कि इस मैच का विनर स्ट्रीट प्रॉफिट होंगे। एंड गाइस नेक्स्ट इज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल का मैच है। एंड गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई पिक सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। Then guys, next match is Ray versus Dominic Mysterio. क्योंकि WWE इनके बीच मल्टीपल मैच करवाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि इस मैच के विनर डोमिनिक होने वाले हैं। अब गाइस नेक्स्ट मैच की बात करें तो ये है Charlotte Flair versus Rhea Ripley. WWE अभी Rhea Ripley को काफी पुश दे रही है, तो गाइस मुझे लगता है कि कल Rhea Ripley Charlotte Flair को हरा के न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनने वाली है। और गाइस नाइट वन का मेन इवेंट मैच Usos वर्सेस Kevin Owens एंड Sami Zayn होगा। और गाइस मुझे लगता है कल फैंस को एक नया चैंपियन मिलेगा Sami Zayn और Kevin Owens के तौर पे। तो चलिए फिर गाइस आज के इस कमाल के वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।